अच्छा भाई, कितना टाइम लगा बनाने में? लग गया होगा 1.5 साल। 1.5 साल लग गया? कब से बन रहा है भाई? बहुत टाइम लग गया। बीच में रुको भी कुरा। हाँ तो रुकता क्योंकि मिठाई देखो लंगड़ा आम है, आम कभी जाती होती है, लंगड़ा होता क्या क्या होता है? लंगड़ा आम और मीठा आम और दशहरा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज गया है। अभी मैं सो के उठा हूँ और माता जी देखो वे बच्चों में लगी है, पोतों में। क्या कर रहे हो? हटो मेरे दादी के पास से। किसका दादी है? मेरा। नहीं हटो हटो। तितली। क्यों तितली बुला रहे हो? तितली आगे फटक से आपको डंडा डंडा मार दीजिए। नहीं आपको मारेगी। नहीं तुमको। और दादी देखो वहाँ भाभी जी भी नजर मार रही हो, क्या कर रही है? तो क्या? ये देखो भाभी जी बना रही है लस्सी। हाँ भाई कब से बना रहे हो? मैं सो गया था। ये मुझे रोज दिया करो भाई, मुझे राम बड़ लगता है, लस्सी खा पी लेता हूँ ना तो मेरा एकदम तबीयत मस्त हो जाता है। क्या चॉकलेट लेना मत? दीदी सुन। क्या? देख दीदी आके सामने। मेरे सामने है? हाँ। वो आपको कटाऊंगा मैं। क्या तेरे को मारते? रुक जा। क्यों मारोगे? रुक काम भाग कर। अरे 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 काम भाग कर। तो गाइस हमारा लस्सी आ गया है। लो भाई, तो माता जी को पहले दे दो, माता जी प्रसाद बनाएंगे। मैं लस्सी पी रहा हूँ, अभी पी लो। आप पियोगे लस्सी? पियोगे? नहीं मुझे नहीं, नहीं पीना पड़ेगा आपको। ये लस्सी नहीं पीना। पियो नहीं, पीना पड़ेगा। गाय सानवी लस्सी बिल्कुल नहीं पीती है, देख के भाग जाती है, बोलती है नहीं 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 छी, ऐसे बोलती है। सानवी गंदी है, बहुत गंदी है। भैया अच्छा है, कूद दी अच्छी है, आप गंदे हो। क्यों नहीं? आप गंदी हो, आपसे कोई बात नहीं करेगा, मम्मा भी बात नहीं करेगी, दादी भी बात नहीं करेंगे। फिलहाल मैं अभी एक बगीचे में आया हूँ और गाइस अब धूप बहुत तेज होने लगी। आज धूप सही था, दोपहर तक तो बादल था लेकिन अचानक फिर से मौसम बदल गया। ये सब देख रहे हो, धूप है और बगीचा तो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ छप्पर घर है, बहुत सारा गाँव में जाते करके ऐसे होता है। देखिए बांस का पेड़ है सामने। तो गाइस हमारे एक दो फ्रेंड भी आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलूंगा और सोच रहा हूँ थोड़ा कहीं घूम लूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो गया था गाइस। तो हमारा देखो ये बाइक आ गया है, तभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा काम है। तो गाइस इतनी तेज तूफान चल रही है कि बाइक चला रहा हूँ तो बाइक स्लो चल रही है और गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मौसम इतना तेज आंधी चल रहा है, मौसम ने ऐसे करोट ले लिया। तो गाइस देखिए ये रास्ते से जा रहा हूँ मैं और ये देखिए चारों तरफ देखो आधा बादल है आधा है, लेकिन हवा तूफान बहुत तेज चल रही है। आपको देखो फोन में भी आवाज़ आता होगा कितना तेज चल रहा है। गाइस बाइक चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है कि कहीं गिर ना जाए, और धूल मिट्टी आँखों में इतना तेज जा रहा है गाइस मैं आपसे क्या बताऊँ। गाइस हमारा लंच आ गया है, हमारे लंच में क्या बना है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल और रोटी है। बहुत दिन बाद कढ़ी बनाया आज। हाँ। जब से आया हूँ एक बार भी नहीं बनाया है। हाँ, मैं बोली उसे आज कढ़ी बना दो। सानवी खा लो आप भी। गाइस गांव में क्या होता है कि लाइट रहती नहीं, पूरी दोपहर भर लाइट नहीं रहती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहा चलो थोड़ा घूम लूंगा, तो यहाँ पे पेड़ की छाया है, यहाँ पे खड़ा हूँ और हवा चल रही है बहुत अच्छा। गाइस आज मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आया है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो उनकी शादी है तो मैं उनकी शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ। ये देखिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हेलो। हाय। हेलो। अच्छा हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? करीब 2 साल बाद आफ्टर लॉकडाउन। गाइस हम लॉकडाउन में मिले थे, उसके बाद आज मिल रहे हैं, देख के मैं बहुत खुशी हो रही है। गाइस फिलहाल मैं अपने गाँव के जंगल में आया हूँ, तो जंगल मतलब इस तरह का जंगल है कि घर और नहीं है, उसके बाद आदमी लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो पशु पक्षी बहुत है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखो वहाँ पे मोर नाच, देखो गाइस मोर नाच रहा, कितना प्यारा व्यू है गाइस देखो। हमारे यहाँ इतना प्यारा जंगल है कि यहाँ पे मोर भी नाचते हैं, ये देखो इंसान तो नाचते ही है, मोर भी देखो गाइस। और अपने गाँव के जहाँ पे हम लोग मैच खेलते हैं उस ग्राउंड में आया हूँ। देखो यहाँ काफी लोग मैच खेल रहे हैं, यहाँ पे बारिश हुई है तो हम लोग खेल नहीं रहे, सोच रहा हूँ किसी दिन खेलूंगा। लोग 2 किलोमीटर तक पैदल चल चुके हैं, अभी 5 किलोमीटर और चलेंगे, 1 घंटे का पूरा वॉकिंग करेंगे फिर उसके बाद घर पे जाएंगे। देखो हमारे यहाँ के स्पेशल रास्ता है, संभाल के नहीं चलोगे तो मुंह फूट जाएगा गिर के। गाइस हम लोग चहल के अब कहीं दूसरे गांव में पहुँच गए हैं, तो मैं दूसरे गांव का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा भैंस है, तालाब है। और गाइस देखिए हमारे यहाँ का ये नया मंदिर बना है, ये पहले मंदिर नहीं था तो हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो देख रहे हैं कि नया एक मंदिर बन गया है। चलो अच्छा है मंदिर बना, अच्छी बात है। गाइस जब हम गांव देहात में टहलते हैं, जब ब्लॉग शूट करते हैं अपना, तो लोग सोचते हैं कि पागल हो गया क्या, कैमरा के सामने बकबक बकबक कर रहा है। तो गाइस खुद शर्म आ जाती है, लेकिन क्या करो, ब्लॉग तो करना ही पड़ेगा। फिर भी काफ़ी ब्लॉग में कर भी नहीं पाता है कि अजीब सा लगता है मुझे, खुद शर्म आती है कि लोग क्या समझेंगे। बकरी है।
कितना प्यार लग रहा है ना, कितना क्यूट लग रहा है देखो। गाइस तो मैं टहलते टहलते सड़क पे आ गया हूँ, तो अब रास्ते में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ पे कीचड़ था। देखिए मैं रोड पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे जाएंगे वॉकिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। बगल बगल में पानी है, पेड़ है और घर भी है, और दूर दूर तक देखो कुछ नहीं दिखेगा। इसका व्यू देखो गाइस, यहाँ पे सब अपना बकरी गाय भैंस को मतलब खिला रहे हैं खाना। गाइस मैं चलते चलते अपने फ्रेंड के घर आ गया हूँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है, उनकी शादी है तो उन्होंने घर बनवाया नया, तो मैं आप लोगों का घर दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए मेरे फ्रेंड का ये बाथरूम है, अभी उन्होंने नया बनवाया है, और देखो तीन रूम बनवाया है। तो ये पहला रूम दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखो फैन भी लग गया है, और मैं दिखा रहा हूँ सेकेंड रूम। तो गाइस देखिए ये सेकेंड रूम है मेरे फ्रेंड का, एक फैन यहाँ भी लगा है, बल्ब वल्ब लग चुका है, और ये देखो मेरा फ्रेंड है। अब ये वाला रूम दिखाता हूँ, किचन है, ये किचन है गाइस, यहाँ पे देखो लाइट भी लगी है, मोबाइल वोबाइल चार्ज आराम से लग जाएगा। गाइस फ्रेंड ने घर बहुत अच्छा बनवाया है, मेहनत करके कमा के अच्छा सा घर बनवाया है, और बाहर का लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। पहला रूम अभी नया बन रहा है, ये भी बन जाएगा अगले महीने के अंदर, अभी बन जाएगा। और ये देखिए हैंड पंप है, घर के बाहर है, और ये चढ़ने वाला सीढ़ी है, तो ये भी बन जाएगा कुछ दिन में। और यहाँ से देखो लोकेशन ही बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग जाएगा। और गाइस हम छत पे चढ़ जाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा व्यू यहाँ से। तो जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी माता की फोटो है, गणेश जी का भी फोटो लगी हुई है, और यहाँ पे शुभ लाभ भी लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा एक जो सनातन में होना चाहिए उस तरीके से बना हुआ है घर। अच्छा भाई कितना टाइम लगा बनाने में? लग गया होगा 1.5 साल। 1.5 साल लग गया? कब से बन रहा है भाई? बहुत टाइम लग गया, बीच में देखो हाँ तो रुकता, क्योंकि मिस्त्री डेली आते नहीं रहे, एक दिन आते हैं दिहाड़ी मार लेते हैं, चार दिन आते नहीं। हर जगह का मिस्त्री भाई ये होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ का है, शहर में भी जाओगे ना, हमारे जितने कुछ फ्रेंड है मेरठ साइड का तो भी बताते हैं भाई एक दिन मिस्त्री आ जाएगा, दिहाड़ी मार लेंगे, 400-500 उनका बन जाएगा, तो आते नहीं एक हफ्ते तक, और कोई त्यौहार पड़ जाता है तो एक एक महीने आते हैं। अरे अलग अलग काम भी तो पकड़ रहते हैं। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा काम भी पकड़ रहते हैं कहीं कहीं के। भाई देखिए मेरे फ्रेंड का ये फ्रंट साइड घर है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखो ये सीढ़ी है, ऐसे एंट्री करोगे। देखिए घर के बाहर फूल भी लगाया हुआ है, और इनके पास देखिए पशु भी बहुत सारा है, गाय है, देखो गाय के बच्चे हैं, और ये देखिए इनके पास 3 गाय है, 2 बच्चे हैं गाइस। और ये देखिए यहाँ पे पहले इनका घर था, ये वाला ये छप्पर घर था, फिर उसके बाद ये भी था, तो फ्रेंड ने अभी नया घर बनवाया है, तो बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है। देखिए हमारे आगे आम का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े आम आ गया है, तोड़ के दिखाओ भाई, चढ़ जाओगे? चढ़ के दिखाओ गाइस। देखिए मेरा दो फ्रेंड चढ़ रहा है पेड़ पे, भाई ये तो भाई तुम्हारे पास बंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अरे इतना बड़ा आम देखना गाइस, ये कितना भाई? देखिए हमारे फ्रेंड ने 4 आम तोड़ लिए, कितना बड़ा साइज है यार। अच्छा ये खट्टा लगेगा मीठा लगेगा? नहीं ये मीठा है, मीठा आम गाइस। देखिए मीठा आम है, इसका कोई जाति होती है ना क्या? हाँ, हाँ। क्या है ये? लंगड़ा आम। ये गाइस देखो लंगड़ा आम है, आम का भी जाति होती है, लंगड़ा होता है, क्या क्या होता है? लंगड़ा आम और मीठा आम और दशहरी आम। दशहरी आम, लंगड़ा, मीठा, लूला भी होता है, काना भी होता है। यस यस काना भी होता है। तो गाइस देखो काना भी आम होता है, और एक नक टेढ़वा आम भी। नक टेढ़वा ये वहाँ पर है इसमें। अच्छा वहाँ दूसरे पेड़ पे। किस दिन चलेंगे तो नक टेढ़वा आम तोड़ेंगे? ये संडे को चलेंगे, आज तो आपका थर्सडे है। हाँ चलो संडे को चलेंगे गाइस, संडे को ऑफ रहेगा भाई का। गाइस इस व्लॉग को मैं ही करता हूँ, आई होप कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।